हेलो एवरीवन, मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कनाडा में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स लेवल 1 सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना होगा। जिन्होंने इंडिया में बीएड किया है और आइल्स नहीं दिया हुआ, वो भी कनाडा में आकर लेवल 1 ईसीई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो डू चेक दैट आउट। एक बार आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स राइट अवे। आज की वीडियो में बताऊंगी कि अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर लेवल 1 के लिए आप जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हो। आज मैं बात करूंगी अल्बर्टा के बारे में, क्योंकि मैं अल्बर्टा में रह रही हूँ और यहाँ पे डे केयर टीचर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो बात करते हैं जॉब ढूंढने की। अब जॉब ढूंढने के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, लाइक इंडीड, LinkedIn, ZipRecruiter, चाइल्ड केयर एडवांटेज। इनमें से जो मुझे बेस्ट लगा पर्सनली वो चाइल्ड केयर एडवांटेज। बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा था मुझे उस वेबसाइट से हमेशा, और वेबसाइट का लिंक मैंने टैग कर दिया। लेवल 1 एक स्टार्टिंग लेवल होता है टीचिंग का, जिसमें आपको मिनिमम वेजेस मिलते हैं, बट ऑन द टॉप ऑफ योर वेजेस गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कुछ टॉप अप मिलता है। $2.6 टॉप अप होता है वो ऑन टॉप ऑफ योर वेजेस। अब बात करते हैं सैलरी की। ECE के 3 लेवल्स होते हैं जिनमें आप 10 इयर्स तक के बच्चों को पढ़ा सकते। लेवल इंक्रीज करने के लिए एक कोर्स होता है, वो आप लेवल 1 की जॉब करते करते भी कोर्स कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे गवर्नमेंट के साइड तक का जो टॉप अप होता है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे लेवल 1 में $2.6 टॉप अप करती है गवर्नमेंट, लेवल 2 में $5 टॉप अप करती है, लेवल 3 में $8 टॉप अप करती है। ECE लेवल 1 पे आपकी बेस सैलरी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आप फ्रेशर हो तो $15 पर आवर, ये तो मिनिमम सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। पर अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का तो आप की सैलरी है वो बढ़ भी सकती है, रेंज करती है 15 से लेकर $22 पर आर तक। और जो मैं बात कर रही थी गवर्नमेंट के टॉप अप के बारे में, वो अलग अमाउंट होता है सैलरी से अलग। और हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि क्या हम ये सर्टिफिकेट इंडिया से ले सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये पोस्ट के थ्रू होता आता है और वो भी कैनेडियन एड्रेस पे आता है, तो इसीलिए आप इंडिया से नहीं ले सकते। आई होप कि इस वीडियो में मैंने सबके आंसर्स दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा है, एंड अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए प्लीज, एंड कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।